हाय टू एवरी वन एंड वॉर्म वेलकम टू एवरी वन। जो लोग चैनल पे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन कहाँ स्टक है जर्नी में, मतलब क्या बताना चाहते हैं, क्यों स्टेप नहीं ले पा रहे, मतलब बेसिकली वो कहाँ स्ट्रक है। एक चीज़ होती है ना, इंसान एक जगह एक मेन रीज़न हो जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ पा रही है, तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा ना कि जो मतलब वो चाहते भी हैं और वो एक्शन नहीं ले पा रहे। तो वो चीज़ हम लोग आज देखने की चेक करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की। तो वो एनर्जी चल रही है, बेस में ही सन का कार्ड आ रहा है, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है। देखो सन के साथ इतना इसमें दिख रहे हैं आपको, इस सन के अंदर आपको दिखेगा कि दो पर्सन साथ में दिखाई दे रहे हैं, मतलब डेफिनेटली आप एक डिवाइन कपल हो और ये साथ में भी आते हुए मुझे दिखते हो। ऐसा नहीं कि साथ में आते हुए नहीं दिखते हो, लेकिन आपको जो सन का आने का आपको वेट करना पड़ेगा, जो आपका डिवाइन टाइमिंग है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। कभी भी रीयूनियन होता है ना, तो उसके लिए आपको डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट, फेथ, ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ये सब फैक्टर्स पे बहुत ध्यान देना है, अपने आप पे बहुत फोकस करना है। देखो कभी भी आपके पार्टनर के पीछे चेस करने से कुछ बहुत ज़्यादा होगा नहीं। आपको जब इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर लेते हो आप, मतलब अपने आप पे काम कर रहे हो, आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, आप जपा जाप कर रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो, उसके बाद में जब आप अपने आप पे फोकस ज़्यादा करने लगते हैं, आपकी ग्रोथ होने लग जाती है, आप अपने पर्सन के लिए कंसर्न रहते हो, डेफिनेटली आपको एक लव उनके लिए अनकंडीशनल लव रहता है। आप उनकी आपको कुछ भी उनकी लाइफ में ख़राब भी होता है तो आपको बहुत चिंता होती है, लेकिन अब आप उनके पीछे उस तरह की एनर्जी में नहीं रहते हो, चेजिंग एनर्जी में, कि आपको लगता है ठीक है आपको वो उनके ना तो उनकी डीपी देखने का कुछ शौक रहता है, ना भी उनका अकाउंट चेक करने का कुछ है, ना आपको सोशल मीडिया चेक करने का इतना क्रेज़ रहता है, आपको बस अपने आप पे फोकस ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। और अभी आपके लाइफ में ओपन होते हो हर चीज़ के लिए, तो आपको वो पर्सन आए अभी निकल आएंगे, आप इतना फोकस करना बंद कर देते हो बेसिकली, तभी आप ना एक पीसफुल एनर्जी में, एक हैप्पी एनर्जी में, बबली वाइब्रेटिंग एनर्जी में आप होते हो ना, तभी आपका रीयूनियन होता है, ये याद रखिएगा। पेज ऑफ कप्स है, आपके पर्सन डेफिनेटली ऑफर करना चाहते हैं, उनको पता है कि आप बार बार उनको ऑफर कर रहे हैं, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, क्योंकि वो आपको एक ना बहुत इंट्यूटिव पर्सन समझते हैं, एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं। और ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपके पर्सन इतने ज़्यादा शायद नॉलेजेबल नहीं है, ये भी एक फैक्टर शायद उनको कहीं ना कहीं कटकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेवल पे या कोई ना कोई फाइनेंशियल लेवल पे या कुछ ना कुछ आप लोग का डिफरेंस है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। मुझे हर एक के केस में एप्लीकेबल ना हो, लेकिन वो फोर ऑफ वैंस का एक परमानेंट यूनियन आप चाहते हो, उनको ये पता है कि आप उनके साथ में मैरिज चाहते हो, एक परमानेंट लाइफ चाहते हो, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है। और वो क्या कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं आपके साथ में, कम्युनिकेशन उनके मन में जितना आपके मन में होता है उनके मन में भी है कम्युनिकेशन को लेके, कि मैं कम्युनिकेशन करूँ। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन क्या उनका ये कम्युनिकेशन का आपका जो प्रॉब्लम है बेसिकली हील हो रहा है। ये क्या पर्सन चाहते हैं कि ये ना प्रॉब्लम्स होने से तो अच्छा है कि बात नहीं करे तो बेटर है, झगड़ा होने से बेटर है कि ये ज़्यादा बात नहीं करे तो भी अच्छा है। तो ये चीज़ वो अपनी हील कर रहे हैं बेसिकली, पर्सन अपनी कम्युनिकेशन शायद बात नहीं कर पाते, इनको ये समझ में नहीं आता मैं किस तरह से बात करूँ या किस तरह से आपको बोलूँ, शायद इसकी वजह से ये पर्सन क्या कि उनका कम्युनिकेशन ब्लॉकेज एक्चुअली बेसिकली हील हो रहा है, तो उस पर ये पर्सन काम कर रहा है, आपको ऐसे बोल सकते हैं, ये इनका एक ब्लॉकेज बोल सकते हो कि ये पर्सन का ये ब्लॉकेज है कि वो अपनी बात रख नहीं पाते या अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता ये पर्सन या कर पाती, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली बोल रहे हैं आपके पर्सन। तो ये पता नहीं ऐसे इनका कम्युनिकेशन, जो जो लोग ना रनर होते हैं ना, कभी भी याद रखिए वो आपसे बात क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक होता है, उनके मुंह से जब भी निकलता है नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, नेगेटिव चीज़ें ही निकलती है, और आपको बहुत ऐसी मीन बातें बोल देंगे जो आपको ज़रा भी अच्छी नहीं लगेंगी, तो इसकी वजह से क्या आप बहुत अपसेटिंग एनर्जी में आ जाते हो। तो वो सब चीज़ क्या आपको खुद को वो कम्युनिकेशन इसलिए गॉड आप लोग का बंद करवा देता है ताकि आप कम्युनिकेशन होगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए कभी कभी कम्युनिकेशन बंद भी करवा देते हैं। इसमें देखो आपके पर्सन एक है ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, माइंड फाइव ऑफ वैंस कभी भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का भी है, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो आपको सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, आप डिसीजन ले रहे हैं, थ्री ऑफ वैंस भी वो डिसीजन लेने के प्रोसेस में है बेसिकली, कि वो क्या चूज़ करें, हो सकता है उनके पास ना दो ऑप्शन है बेसिकली, तो इसकी वजह से वो स्ट्रक है बेसिकली ऐसे बोल सकते हो, या उनके फैमिली वाले एक भी एक रीज़न मुझे लग रहा है कि उनको दो ऑप्शन बताया जा रहा है कि उनको चूज़ करने के लिए, उनको आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। इसकी वजह से ये पर्सन क्या है कि है ना
समझ में नहीं कि जो टू ऑफ कप्स ऐसे दो कप, इनको फोर कप्स दिख रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मतलब एक फैमिली भी है, एक आपको भी है चूज़ करना है, दोनों को साथ में लेके भी चलना है, फिर थर्ड अगर सपोज आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके साथ में राइट कर रहे हैं, आपके साथ में राइट कर रहे हैं कि उनके साथ में राइट कर रहे हैं, कि आपके साथ में रॉन्ग कर रहे हैं, उनके साथ में रॉन्ग कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। तो बेसिकली वो क्या स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो, वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो राइट कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये पर्सन के जी में बेसिकली क्लैरिटी ही नहीं है, अभी क्लैरिटी उनको है ही नहीं जरा भी। देखो इनका टू एसेस निकल रहे हैं, ये पर्सन अभी भी नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी में है। ये पर्सन नाइट ऑफ वेंस मतलब 100% पर्सन आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आएंगे डेफिनेटली। नहीं हो सकता है कि ये आते हैं दो कदम आगे बढ़ते हैं पीछे चले जाते हैं, अभी से डर की वजह से, पता नहीं इनको लग रहा है कि रॉन्ग कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, मैं लाइफ टाइम डिसीजन है, दिस है, ये है, वो है, ऐसे सब सोच के ये पर्सन क्या थोड़ा आगे पीछे होने लग जाता है। एस ऑफ कप्स आ रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो ये एक लव डेफिनेटली एक आपको प्रपोज करेंगे एक ट्रूथफुल एनर्जी में आके, जो आपको हमेशा बहुत पास्ट में बहुत झूठ बोला होगा इस पर्सन ने आपको। मैं आपको बोल रही हूँ इनका कम्युनिकेशन का थ्रोट चक्र का प्रॉब्लम था, तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते होंगे आपके पर्सन, मुझे ऐसे लगता है। तो वो क्या, वो झूठ बोलने की वजह से आपको अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो उन्हें ज़बान पे एकदम डिफरेंट बात आती है इनके, मतलब दिल में कुछ और होगा और ज़बान पे एकदम दूसरी बात होगी। तो ये चीज़ इनका हील हो रहा है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो, कम्युनिकेशन बेसिकली थ्रोट चक्र हीलिंग प्रोसेस चालू है। तो वो क्या अभी ट्रूथफुल कम्युनिकेशन में आएंगे और ट्रूथफुली एक्सप्रेस करने के लिए उनको टाइम चाहिए बेसिकली, और उनका ये जो कन्फ्यूजिंग माइंड चल रहा है ना, वो भी उनका वो उनको जब कंटिन्यूस खाली अपनी दिल की बात सुनेंगे ना, हर्मिट एनर्जी इनकी आ रही है डेफिनेटली, जब अपनी अपने माइंड के को बंद करके दिल को सुनना शुरू करेंगे, तब ये पर्सन एग्जैक्टली एकदम राइट एंड प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे। तो ऐसे बोल सकते हो कि इनके हार्ट और माइंड में एक जंग चल रही है, तो किसका साथ दे किसका साथ नहीं दे, तो ये चीज़ आपके पर्सन बेसिकली सोच रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि है ना, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं या डिसीजन आपके सामने आपके साथ में आ नहीं पा रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। देखो बहुत आपको क्या ऑप्टिमिज्म रहने की, गॉड आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम कंटिन्यूस ऑप्टिमिज्म रहने में ज़रूरत है, एकदम है ना कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी, नेगेटिव एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन डेफिनेटली अपना लव एक्सप्रेस करेंगे द लविंग मैन, जो आप एकदम कम्प्लीटली चेंज होकर पर्सन आएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि और एक आपको ऑनर, ऐसे बोलते हैं ना ऑनरिंग पाथ, आपको एक रिस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते हो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको लोगों के सामने एक आपको ना प्रेजेंट, एक जैसे प्रेजेंट करना चाहिए ना एक स्पाउस को, वैसे आपको प्रेजेंट करेंगे। और आपका एक जॉयस फन, मतलब एक इन्जॉयमेंट होता हुआ मुझे लाइफ में, एक फन होते हुए लाइफ में आगे दिखता है, ये आगे की एनर्जी है, समझ रही, फ्यूचर एनर्जी है। कंटिन्यू 100% आपके पर्सन आएंगे और आपको एक रिस्पेक्ट देंगे, जो रिस्पेक्ट आप चाहते हो आपको ऑफिशियली लोगों को बताने के लिए कि हाँ कि आप उनके पार्टनर हो। ये भी उनके एनर्जी इस तरह की चल रही है, ऐसा नहीं कि उनकी एनर्जी इस तरह की नहीं है, ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ, उनके दिलो दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उनको क्या दो चॉइस आ रही है, या तो फैमिली इनको चूज़ करने के लिए कुछ बोल रही है, या ये इनको और इनका दिमाग, वो मतलब दिमाग वैसे वो उनकी तरफ जाता है और दिल आपकी तरफ जाता है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ग्रोथ का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली एक ग्रोथ हो रहा है, इसके जड़ें मजबूत हो रही है आपके रिश्ते की, तो वो जड़ें मजबूत होगी तो वो टूटने देगा नहीं। एक्चुअली मुझे कंप्लीशन का कार्ड भी आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये आपके पर्सन के रिलेशनशिप में आपके कुछ डेथ होते हुए दिख रही है, मतलब डेथ मतलब एक ईगो डेथ भी बोल सकते हैं। और ये पर्सन का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के साथ में भी ऐसे बोलते हैं रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न से उनको क्लियर होना ही पड़ता है, ख़त्म होना ही पड़ता है। तो आपके पर्सन का मुझे लग रहा है कुछ कार्मिक अकाउंट किसी के साथ में हमेशा के लिए कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। और आपको क्या फॉरगिवनेस आपके पर्सन आप हो सकता है कि आपके फॉरगिवनेस आपके मांगे, आपसे माफ़ी मांगे, ये चीज़ बहुत है, क्योंकि इनको कार्मिक पैटर्न जैसे ही कंप्लीट होंगे इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन बहुत जल्दी होगा, तो फॉरगिवनेस की एनर्जी भी आ रही है। और मिस्टिक इस अब हो सकता है कि अभी एट प्रेजेंट वो थोड़ा सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं और एकदम मिस्टिक बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ का समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन वो सब अपनी जो मिस्टिक बिहेवियर है, अपनी जो भी ये अपने जो कर रहे हैं आपके साथ में गलत, वो सब चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगेंगे बेसिकली आपसे कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और उनके कार्मिक पैटर्न्स कंप्लीट हो रहे हैं, याद रखिएगा जब भी आपकी फाइनल रीयूनियन होने वाले, तो उससे पहले भी आपकी बहुत फाइनल टेस्ट चलती है, समझ रही, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होती है, उसके अंदर आपकी लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में जो भी कार्मिक्स लोग होते हैं ना, वो कंटिन्यू मतलब छोड़ के एकदम जाने लग जाते हैं आपकी लाइफ से। आपको समझ ही नहीं आता ये क्या हो रहा है, मैं तो इतना इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी लाइफ में ये सब क्यों जा रहे हैं, मतलब है। तो ये आपके कंप्लीट गॉड आपको दिखाना चाहता है कि ये आपके रियल ट्रू फ्रेंड्स है या ट्रू आपके सोलमेट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे नहीं करेंगे।
तो उनको आपकी लाइफ से निकालना ज़रूरी है आपका। और उस वक्त फेथ का टेस्ट होता है कि आपको गॉड पे कितना फेथ है, आप खुद पे कितने डिपेंडेंट हो, आप सामने वाले पे डिपेंडेंट नहीं हो, वो आप लोगों की लाइफ में है या नहीं है, समझ रहे हो। कार्मिक आप अपने बलबूते पे जी पा रहे हो। जब ये इनका कार्मिक अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है तो कुछ कार्मिक्स आपके सोलमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी लाइफ में, और वो अगर सोलमेट्स में कन्वर्ट नहीं होते तो वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपके पर्सन के साथ में उनकी लाइफ में भी यही सब चीज़ हो रहा है अभी, बेसिकली उनके बेसिक में बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और वो एक दिल और दिमाग के दिमाग में चीज़ में अटके हुए हैं, ऐसे बोल सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हुई देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।